आइए दोस्तों, आज हम अपने जो 72 शीशे का अर्थ वगैरह है इसकी असेंबलिंग कैसे करना है और इसको स्टार्ट करना है कैसे करना है इसके बारे में बताएं। टॉर्शन स्प्रिंग हो गया, ठीक है। इसके साथ जो मिलेगी आपको एक्सटेंशन रॉड, जो कि हमारी बिट की लेंथ जितनी बढ़ा के हम जितना गहराई तक गड्ढा कर सके उसके लिए ये एक्सटेंशन रॉड रहती है, ठीक है। प्लस पिने हैं, ठीक। प्लस में जो है ये एक बिट आएगी आपकी जो कि हमारे इस अर्थोगर में लगती है। तो आइए दोस्तों, अब हम इस सारे पार्ट्स को इसको एक एक करके इसमें असेंबल करते हैं ताकि आपको लगाने में घर तक पहुंच के जब तो आपको लगाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम इसको जोड़ते आइए। सबसे पहले ये हमारा टॉर्शन स्प्रिंग, ठीक है। इसका ये जो पॉइंट है, एक साइड ये पतला है, एक साइड से मोटा है। जो इसकी ये साइड है, ये डाया जो है, ये वाला साइड हमारे अर्थ होगर की इस होल में से होल को मैच करा देंगे। देखिए ये होल इससे मैच हो जाएगा। होल मैच होने के बाद ये एक्सटेंशन रोड वगैरह, ठीक है। ये हमारी बिट इसमें फिक्स हो गई है। अब हमें स्टार्ट करने से पहले जो है इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है, जैसे कि हमारा इसमें ग्रीसिंग पॉइंट है। ये हमारा गियर बॉक्स है नीचे वाला, इस गियर बॉक्स पे ये जो स्क्रू रखा है एल की वाला, इस स्क्रू को खोल के हमें यहाँ पे हफ्ते में ग्रीस कर देनी है, चौथे पाँचवें दिन, ठीक है। ग्रीसिंग करने के बाद आपको स्टार्ट करना है इंजन, तो उसके लिए क्या करना है हमें, ये हमारा फ्यूल टैंक हो गया, यहाँ हमें फ्यूल डालना है। 1 लीटर फ्यूल में 40 ml टूटी ऑयल मिलाना है, ठीक है। और उसके बाद हमें इसका जो है स्विच ऑन कर, इसको स्टार्ट करने के लिए ये इसके तार हैं स्विच के, ऑन ऑफ स्विच के, ठीक है। ये तार हमें जैसे कि
ये रेड वायर है, इसके जो ओपन पॉइंट है इसमें हम इसको जोड़ देंगे तार को ऐसे। फिर दूसरा तार ये इसका ऐसे ओपन रहेगा, ये इसमें जुड़ जाएगा। अब हमें इसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चोक है इसको लीवर को ऊपर कर देंगे। ऊपर करने के बाद हमें रिकॉइल को खींचना है। जैसे ही हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद हमें चोक लीवर को है नीचे डाउन कर देना है, ठीक है। और अगर आपको इंजन को स्टॉप करना है तो उसके लिए नीचे जो है ये इसका स्टॉप लीवर दे दिया है, इसको दबाएंगे तो हमारा इंजन स्टॉप हो जाएगा। और ये हमारी एक्सीलेटर है, जितनी आपको रेस एडजस्ट करनी है वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं आप।